नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर देंगे। जी हां, ये किसी और ने नहीं बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है। जी हां, नित्यानंद राय ने आगे कहा कि जिस तरह से महागठबंधन तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है, बिहार में आए दिन पेपर लीक हो रहा है, यही नहीं भ्रष्टाचार, लूटपाट, हत्याएं हो रही है। ऐसे में जिस तरह से नीतीश कुमार हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ जनता एकजुट हो चुकी है, इसलिए एकजुटता जनता की यह देश देख रहा है और वही जनता एकजुट होकर भारत को विश्व गुरु बनाएगा और विकसित आत्मनिर्भर बनाएगा। बिहार का सुपड़ा साफ कर देंगे, बिहार सुपड़ा, और हम ऐसा इतिहास दोहराएंगे जो शायद उन लोगों को कहीं भी जीतने के लिए कोशिश दिखाई नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि आज बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नित्यानंद राय ने कई ऐसे मुद्दे को लेकर बिहार सरकार सहित राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। नित्यानंद राय आगे कहा कि जिस तरह से कांग्रेस शुरू से देश में किस तरह से जनता के साथ व्यवहार किया है, आज उन्हीं के गलबहिया करके लोग राजनीति कर रहे हैं, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार में, अब वो बातें नहीं रह गई। देखने वाली विषय होगी आगे आने वाले समय में इस राजनीति को आखिर कौन सा मोड़ दिया जा रहा है। क्या 2024 और 25 के चुनाव से पहले ही बिहार में कोई बदलाव होने वाला है या फिर कोई और कुछ और कुछ होने वाला है, वो भी हम आप तक जोर साझा करेंगे। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।